तो गाइज आ गए आप मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है सुगर इसे, तो वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो चलिए शुरू कर दे आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली, क्योंकि आज हम खेलेंगे WWE का एक 2K गेम, वो है 2K19, और उसमें हम खेलेंगे सबसे लेजेंडरी लेवल यानी सबसे हार्ड लेवल। उस हार्ड लेवल में हम कोशिश करेंगे बीट करने को ब्रॉक लेसनर को, देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल में भी ब्रॉक लेसनर को बीट करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं लेजेंडरी लेवल में हम ब्रॉक लेसनर को बीट कर पाते हैं क्या नहीं। तो उससे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आपको सबको सेटिंग दिखाना चाहता हूँ। तो बाद में आप कहेंगे सेटिंग दिखाई नहीं, तो देख लीजिए हम लेजेंड लेवल पर खेलेंगे, तो देख लीजिए। और उसके बाद और एक बात करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर की हमने हेल्प पूरी कर दी है, मैंने 100 उनकी ओवरऑल रेटिंग है, और उसके बाद मैं लूंगा रोमन। तो देखते द ट्राइबल चिप हरा पाते हैं क्या ब्रॉक लेसनर को, और ट्राइबल चिप की भी हेल्थ 100 हो गया, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो बिना किस देरी के चले करते हैं इस वीडियो को शुरू। और ये देखिए एंट्रेंस, ट्राइबल चिप एंड द पिस्ट इन कार्ने ब्रॉक लेसनर की एंट्री, और यहाँ पे मैच चालू हो गई। तो ये देखिए मैच चालू कर रहा, आते से ही ब्रॉक लेसनर रिवर्सल कर दिया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि रिवर्सल मैंने अनलिमिटेड नहीं किए, क्योंकि उसको और टफ बनाने के लिए लिमिटेड ही रिवर्सल है, बार बार में ख़त्म हो जाएंगे। और देखो ब्रॉक लेसनर को पटका, ये देखिए आ ब्रॉक ने ट्राइबल चिप को खेल रहा है तू, फिर से रिवर्सल कर दिया है ब्रॉक लेसनर ने। देखिए भाई इसमें तो ब्रॉक लेसनर हराना मेरे को बहुत ज़रा मुश्किल लगता है, तभी फिर भी हम हारने वाले हैं, देखते हैं। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर बहुत मारते हुए मेरे को, अरे रिवर्सल भी नहीं हो रहा है, अब आया हो गया ब्रॉक, देख सकते हैं ब्रॉक। और अपन इनको सुप्लेक्स देते हुए रोमन रिंग ट्रैवल चिप, अब ब्रॉक लेसनर एक मारा, मैं दो मारा, तीन मारा। तो देखते हैं ब्रॉक लेसनर कब तक रिवर्सल अपना रोक के रखते हैं। ब्रॉक लेसनर पटका रिंग साइड, तो आप देख सकते हैं अब तक तो अपना ही दबदबाए, फिर से चेयर करते हैं। देखते देखते कब तक हम ब्रॉक लेसनर को नीचे रखे हुए रखते हैं। ब्रॉक लेसनर देखा कर दिया रिवर्सल, तो आप देख ही सकते हैं बहुत हार्ड लेवल है, तभी भी हम करके देख रहे हैं। सबमिशन दे दिया था ब्लॉग ने, अभी इसको क्या आसानी से हम पार कर सकते हैं। ये अरे यार फिर से उग गया रिवर्सल, ये देखिए फिर से आप फिर से लॉक होल्ड में फंसा के रखा है ब्रॉक लेसनर ने इस बार हाँ इस बार भी उनके पास है। खोपड़ी मत तोड़ वॉक, अरे अरे आपको तो पता होगा ऐसे एक बार ब्रॉक ने समर स्लैम में रेंडी ऑर्टन की खोपड़ी फोड़ दी थी, तो आपको पता होगा। तो इस बार भी एक लाइक है रिवर्सल गिर दिया, अब ब्रॉक लेसनर को अब सुप्लेक्स सीरी टू द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब हम रोप पे चले हुए हैं, देखते हैं इस बार रिवर्सल करना नहीं चाहिए ब्रॉक ने। और रोम ट्राइबल चिप अपने टॉप रोप से फ्लैश मारते हैं, और यहाँ पे पिन करते हैं ब्रॉक लेसनर को 1-2। अरे यार 2 पे आसानी से किक आउट करते हैं बीस्ट, तो उनको खड़ा करते हैं। अपने पास अब सुपरमैन पंच है, देखते कनेक्ट होता है क्या नहीं। और यहाँ पे यार रिवर्सल करते हुए ब्रॉक ने, और उनको भी हमने रिवर्सल कर दिया, तो आप देख सकते हैं ब्रॉक ने आसानी ने अपना सिग्नेचर को रिवर्सल कर दिया। देखते देखते उनको अब गिराते नीचे, तो ब्रॉक ने जो खड़े करते और फिर से उसने उन्होंने रिवर्सल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अरे यार ठीक है रोप के पास चले गए, उनके ब्रॉक लेसनर के पास फिनिशर था, कैसे तैसे अपने उनको बचा लिया, और ब्रॉक ने रोप के अंदर चला है। क्या पे वो स्टाइल मारा ब्रॉक ने, उनको आके पटक दिया। ये है ट्राइबल चीफ, और हमारे पास भी सिग्नेचर आ गया। कॉर्नर में जाके सुपरमैन पंच की तैयारी, देखते हैं ब्रॉक ने रिवर्स करते हैं क्या नहीं। और यहाँ पर खड़े और ब्रॉक लेसनर, और यहाँ पे उन्होंने रिवर्स कर दिया, और उनके पास सिग्नेचर है, देखते हैं हम रिवर्स कर दिया। अरे यस रिवर्स कर दिया, और आते ही सुपरमैन पंच, यहाँ पर बहुत ही इंटेंस मैच चलते 1-2, और ब्रॉक लेसनर किक आउट करते हुए गाइस ऑडियंस में फुल जोश भरते हुए, तो फिनिशर देते हैं अपन कॉर्नर में जाके। चलो देखते कनेक्ट होता है कि नहीं, ब्रॉक लेसनर खड़े हो चुके हैं,
और यहाँ पर ट्रैवल जो फुल स्पीड में और स्पेयर कनेक्ट हो चुका है, देखते हैं प्रॉब्लम पिन होते कि नहीं आ रही यार। रिप्लाई दिखा रहे हैं, चलो पिन करते हैं यार, खड़ा रोमन रोमन खड़ा, चलो पिन करते हैं और देखते हैं। वन टू और यहाँ पर आसानी से टू पर किकआउट करते हैं ब्रॉक लेसनर। ट्राइबल चिप को भी यकीन नहीं क्योंकि लीजन लेवल पे इस लेवल पर ब्रॉक ने फुल बीच मोड में, चलो उनका जरा मुंह तोड़ते हैं और क्या कर सकते हैं अपुन अब। और यहाँ पर उनको कॉर्नर के साइड रहते हुए इनको हम ऊपर से टॉप रफ से सुप्लेक्स देंगे और यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है, देखते हैं। यहाँ पर फ्लैश फ्लैश बोलते हैं और टॉप रोप से सुप्लेक्स कनेक्ट हो चुका है। इस पर ब्रॉक लेसनर देखते हैं किक आउट करते हैं क्या नहीं। यहाँ पे वन टू और आसानी से, और उसके वजह से हमने ब्रॉक लेसनर को सिग्नेचर दे दिया और यहाँ पर रिवर्सल करते हुए ब्रॉक लेसनर अब सिग्नेचर ना दे, अरे गिराते हुए हमें, देखते हैं क्या करते हैं। सिर्फ रिवर्सल करना है हमें, मुझे तो लगता है सिग्नेचर ही देखे ब्रॉक लेसनर। और यहाँ पर अपुन ने रिवर्स कर दिया आसानी से, हमारे पास सुपरमैन पंच देखते कनेक्ट होता है कि नहीं, और कनेक्ट हो गया और पिन करते देखते सेकंड सुपरमैन पंच वन टू और यहाँ पर फिर से किक आउट करते हुए ब्रॉक लेसनर और फुल बीच मोड रोमन ट्राइबल चिप को भी यकीन नहीं। और हम क्या करते हैं नीचे जाके देते टेबल पे, देखते वहाँ से भी पिन होते क्या नहीं ब्रॉक लेसनर। यहाँ पर रेफरी काउंट करते हैं, बीच भी आ रहे हैं, तब तक हमारा हो गया टेबल, उनको पकड़ते पकड़ लिया और टेबल पे, अब टेबल पे देंगे ओएमजी। देखते हैं कनेक्ट हो चुका है, देखते हैं ब्रॉक लेसनर इस पर किक आउट करते हुए कि नहीं। और यहाँ पर रॉक बॉटम देते हुए रोमन ट्रीन अब ब्रॉक लेसनर को रिंग में लेके चलते हैं और देखते हैं पिन होते हैं कि नहीं, देखते देखते अब तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर वन टू और यहाँ पर भी कट करते हैं, यहाँ पर ट्रैवल से पूरे शॉक में कि अभी भी ब्रॉक लेसनर पिन नहीं देख सकते इस लीजन लेवल पर, ब्रॉक लेसनर को पिन करना इतना मुश्किल है। और यहाँ पर रिवर्सल करते हैं फिर से ब्रॉक लेसनर और यहाँ पर मेरे को कनेक्ट हो चुका है सिग्नेचर मूव ब्रॉक लेसनर का, थ्री पावर पॉप देंगे अभी वन टू और दूसरा वे तीसरा देते हुए फिनिशर है ब्रॉक लेसनर के बाद। अरे फिर से मेरे को पावर पॉप दे रहे हैं, देख सकते ताकत ब्रॉक लेसनर की, ओह माय गॉड हमारे पास कमबैक है, हमें चांस ही नहीं दे रहे कि ब्रॉक लेसनर कमबैक करने के लिए। फिर से पावर बम देते हुए गाइस मुझे लगता है ये इधर कनेक्ट हो गया, क्या पता हम हार भी जाए। और यहाँ पर बेली पे लात मारते हुए और ब्रॉक लेसनर तो टॉप रोप पे चल रहे हैं, अरे उनके पास फिनिशर है वो टॉप रोप पे क्यों चढ़े, मुझे लगता है फाइव स्टार शूटिंग स्टार। और यहाँ हमने रिवर्सल करते हो अच्छे से, हमारे पास कमबैक आ गया है। अरे अरे ब्रॉक लेसनर, अरे देखो कितनी जल्दी ब्रॉक लेसनर खड़ा भी हो गया, देख कम हेल्थ लगने होने के कारण भी ब्रॉक लेसनर देखो कितनी जल्दी खड़े हो गए। उनके पास फिर से सिग्नेचर और एक फिनिशर है, हम रोक एस्केप करते हुए रिंग में, अभी हमारे पास चार्ज कमबैक देना और ब्रॉक लेसनर आ रहा है, हो गया आ रहा है, ब्रॉक लेसनर को उठा रो और उठा और कनेक्ट हो गया है कमबैक। आसानी से हम कमबैक देते हुए हमारे पास सिग्नेचर आ गया सुपरमैन पंच, कॉर्नर में जाके एक बार ट्राई करते सुपरमैन पंच कनेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास रिवर्सल पहले से ही है, देखते हैं कनेक्ट होता है क्या नहीं होता है क्या नहीं। और यार फिर से रिवर्सल करते हुए ब्रॉक लेसनर का फिनिशर है दो दो, अभी तो हमें सुप्लेक्स देते हुए बैक टू बैक, ये दो फिनिशर है एक, मुझे लगता है फिनिशर देंगे रिवर्सल। अरे हुक गया अपने आ रहे यहाँ और ट्रैवल चिप को फिनिशर, ओ F5 पढ़ते हुए देखते किक आउट होता है कि नहीं। वन टू और ओ बाल बाल बच गया हमें, नहीं तो इधर ही खल्लास था। देखते ब्रॉक लेसनर फुल एंग्रे मोड में ऑन है, फिर से फिनिशर की तैयारी, अब हमें रिवर्सल करना ही चाहिए यार, कभी कभी रिवर्सल होता ही नहीं है और इस बार हो गया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास फिनिशर स्पीयर, देखते पिन होती क्या नहीं। ओ माय यार ये रोप ब्रेक यार खड़े, अब तो कुछ फायदा नहीं पिन करके। अरे फिर से रिवर्सल यार, अरे यार वो अपने में एक किक मारते हुए और ट्रैवल चिप, अरे अरे क्या हो गया चलो खड़े होते हुए सुप्लेक्स देते हुए हमें। और अभी ब्रॉक लेसनर के पास सिग्नेचर है
और सबमिशन मूव देने की कोशिश चल रही है ब्रॉकलिन की, और रोप ब्रेक के पास होने की वजह से रोप ब्रेक हो गया। और यहाँ पर हमने रिवर्सल करते हुए अच्छी तरीके से पर सिग्नेचर नहीं, अरे यार फिर से रिवर्सल, तब देख सकते हैं ब्रॉकलिन, अरे ओ ओ यहाँ पर बहुत मुक्कोबारी, वो ब्रॉकलिन उठला और पटक दिया आपने। देखते हैं आगे क्या होगा, सिग्नेचर आ गया आपने, सुपर मैच पंच की तैयारी अपनी, यहाँ पर कनेक्ट होता है क्या नहीं देखते देखते देखते, और कनेक्ट हो गया है, और उनको अपन ऊपर वाला सुपरमैन पंच देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उठाया ओएमजी वाला, अरे कनेक्ट नहीं हुआ है, कैचिंग फिनिशर देंगे अपन ब्रॉक लेसनर को, खड़े होने दो खड़े होने दो, या फिर से रोप के पास फेंकते हैं, या ब्रॉक लेसनर को उछला और फिर से कनेक्ट नहीं हुआ, वन मोर टाइम कर दे गाइस, यहाँ पर फिर से इस बार तो कनेक्ट होंगे, और यहाँ पर सुपरमैन पंच है इस, पिन करते वन टू, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर किक आउट ट्रैवल जो पूरे शॉक में, अब क्या कर देंगे ब्रॉक लेसनर, और यहाँ पर बेली टू बेली सुप्लेक्स, और यहाँ पर पिन कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर, यहाँ पर आसानी से किक आउट करेंगे अपन, पर फिनिशर है ब्रॉक लेसनर के पास, अब यह फिनिशर कनेक्ट हो गया तो अपन की तो टाइट है फिक्स हो जाएंगे और अपन हार जाएंगे, कभी हम उम्मीद नहीं करेंगे। और आप फिनिशर की तैयारी में ब्रॉक लेसनर प्लीज रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए, और रिवर्स हो गया, यहाँ पर हटा कटा सुपरमैन पंच एकदम स्टाइल से ट्रैवल चिप ने कनेक्ट करते हुए, अब फिनिशर देंगे अपन और स्टाइल से, ब्रॉक लेसनर खड़े हो रहे, अब तो भाई कनेक्ट होना ही चाहिए, अब कनेक्ट हो रहे ब्रॉक लेसनर पूरे हार गए, यहाँ पर स्पीयर और ब्रॉक लेसनर ने रिवर्सल करते हुए, और हमारे सबमिशन मूव में यार इसमें से तो निकल गया, और उनके पास सिग्नेचर है, और एक और यहाँ पर हम पकड़ते हो फिर से रिवर्सल करते हो ब्रॉक लेसनर, और यहाँ पर वो सिग्नेचर कनेक्ट हो गया है गाइस, अब फिर बॉर्डर ने सिर्फ ब्रॉक लेसनर पिन नहीं करना चाहिए अपन को, देखते हैं क्या हो सकता है, और यहाँ पर थर्ड सुप्लेक्स कनेक्ट होते हुए, और ब्रॉक लेसनर फिनिशर की तैयारी प्लीज रिवर्सल हो जाए, अब एक कनेक्ट हुआ तो ट्रैवल से हार जाएंगे, और यहाँ पर रिवर्सल अच्छी तरीके से करते हुए, और पर सिग्नेचर नहीं हमारे पर, और नीचे गिराते हुए आ गया सिग्नेचर हमारे पास, चलो देते पहले खड़ा करते, अरे यार रिवर्सल करते हो, अब यहाँ पर सुपरम पर, अरे यार सुप्लेक्स में कन्वर्ट करते हुए, ओ माय गॉड गाइस कैसी लग रही है वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को, बहुत ही इंटेंस हो गए वीडियो मेरे को तो, और किक आउट कर दिया, अब गाइस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, देख सकते लीजेंड लेवल पे ब्रॉक लेसनर को हराना कितना मुश्किल है, तो चले ब्रॉक के पास भी फिनिशर है, जिसका भी कनेक्ट है और जीतेंगे मैच, और वो तैयारी में, और ब्रॉक का हमने भाई बैठ गया आपने को, देखते अब रिवर्स कर पाते क्या नहीं, ओ माय गॉड F5 लगाते 1 2, और ट्रैवल चिप की कॉट करते, यानी मैंने की कॉट कर दिया, बार बार रेजिस्टेंस थी अब हमारे पास, उसके वजह से बच गए, तो ठीक है एक फिनिशर और ब्रॉक लेसनर, तो अब खड़ा होने दो रोमन को, अपने फिनिशर देंगे, ब्रॉक लेसनर भी थक गए, अब क्या करेंगे ब्रॉक लेसनर, F5 पे हम की कॉट करते हुए जा रहे हैं, अब फिनिशर देंगे, अब फिनिशर नहीं इस सबमिशन से तो अपन निकल जाएंगे, और निकल ही गए, अब मारूंगा एक तो, और अब आप फिनिशर देंगे, अब ट्रैवल चिप का फिनिशर आया और पिन करेंगे, अब तो होना चाहिए ब्रॉक लेसनर भी, 1 2 3, ओ माय गॉड गाइस इतनी मुश्किल मैच होंगी, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल निकली है मैच, यार ब्रॉक लेसनर रिजल्ट ने उनमें असली के बिस्ट हो जाते, और क्या मैच थी गाइस 5-स्टार लेवल, आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी नीचे कमेंट में बता देना, तो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, उसके लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।